नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गार्डनिंग चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे अच्छे पौधों की तरह अच्छे अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे और अपने गार्डन को भी हरा भरा सजा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, मेरे कुछ दिन पहले एक वीडियो पे, काफ़ी पुरानी वीडियो पे कमेंट आया कि आप कुछ जैसे फ्रेग्रेंस वाले पौधे जो होते हैं जो कि खुशबू देते हैं अपने आसपास, ऐसे पौधे के बारे में बताइए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो फिर मैं आज आप सबके लिए, ये पौधा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वाला, ये मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि बहुत सुंदर अच्छी खुशबू देता है और बहुत प्यारा इसके आसपास एनवायरनमेंट बना रहता है। तो आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जो पौधा है इसका नाम है स्वीट ऑलिव। इसे स्वीट ऑजमैंथस, स्वीट ऑलिव भी कहते हैं, इसके दो नाम है ना। और ये एक एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन प्लांट कैसे है, ये जैसे पूरी गर्मियों में, पूरे जो गर्मियों का सीज़न रहता है या फिर पूरे जो ऑफ सीज़न रहता है इसके फ्लावर्स का, ये ग्रीन कलर का फॉइलेज जिसकी हमेशा ग्रीन रहती है सर्दियों, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की फॉइलेज जिसकी, एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो उनकी फॉइलेज हमेशा ग्रीन बन रहती है। इसी तरह इसकी जो फॉइलेज होती है वो हमेशा ग्रीन बन रहती है। और स्प्रिंग और ऑटम के समय में, जो स्प्रिंग आता है जैसे कि दिसंबर से अप्रैल तक, ये फ्लावरिंग करता है। अब अच्छा, मैंने ये देखिए, आप ये देख सकते हैं मैंने ये पॉट में लगाया है फ्रेंड्स, ये वाला जो मेरा वो है स्वीट ऑलिव, स्वीट ऑजमैंथस, ये पॉट में लगाया है। तो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये ना केवल सीजन सीजन के उससे ब्लूम करता है। जैसे सीज़न आएगा, जब इसका स्प्रिंग सीज़न आएगा तभी ये ब्लूम करता है। पर कईयों का जैसे ही अगर ज़मीन में है, जैसे कोई कोई क्या करता है स्वीट ऑलिव को अपने लॉन में या फिर कहीं ज़मीन में लगा दे, तो ये उनके यहाँ आपके यहाँ जैसे हल्के शेड में आप इसे ज़मीन में लगाएं जहाँ पर हल्का शेड भी रहता हो, तो ये पूरे साल ब्लूमिंग करता रहता है। क्योंकि जहाँ से फ्रेंड्स मैं इसे लाया था वहाँ पे ये पूरे साल ब्लूमिंग करता है और बहुत अच्छी खुशबू इसके आसपास रहती है। मतलब इसके आसपास 5-6 मीटर तक बहुत अच्छी एक सुंदर खुशबू, यहाँ मतलब इतने पास हूँ इतनी तेज़ आ रही है खुशबू इसकी फ्लावर्स की। ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे येलो कलर के इसके प्यारे प्यारे रंग के फ्लावर्स, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाइट कलर के सुंदर फ्लावर्स इस तरह से खिले हुए हैं और ये बहुत प्यारी खुशबू दे रही है इसके। तो हम इसी के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको इसके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसे मैं कहाँ से लाया। फ्रेंड्स इसे मैं नर्सरी से लेके आया। इसे मैंने भी मतलब कोई ऐसा वो नहीं करा था, जो पिछले साल मेरा स्प्रिंग जब आया था तो मैं नर्सरी में गया तो वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं काफ़ी देर से सोच रहा शायद किसी ने रूम फ्रेशनर डाला हो या फिर कुछ और चीज़ डाली हो, जैसे कोई स्प्रे होते हैं तो वो डालो। पर जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ यहाँ पे, तो उन्होंने ये पेड़ को दिखाया मुझे। उनके यहाँ बहुत बड़ा मतलब 10-12 फीट का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा एक ही मुझे भी दे दीजिए। उन्होंने मुझे ये 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का ये एक प्लांट, छोटा सा मतलब इतना इतना सा प्लांट उन्होंने दे दिया था। ये इसके बाद ये जो ये यहाँ पे जॉइंट है, इसके बाद ये ग्रोथ यहाँ मेरे घर आके इतनी लंबी हुई है, ठीक है ना। ये इतना सा उन्होंने प्लांट दिया था, तब इसमें बहुत थोड़े थोड़े फूल थे और उसके बाद जैसे वो गर्मी आई तो वो फूल भी चले गए। तो मुझे लगा शायद ये उसमें देता हो, तो मुझे पता लगा इसके बारे में पढ़ के कि हाँ ये बिग सीजनल फ्लावर प्लांट है। पर जब मैं उनके यहाँ गया दोबारा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये पूरे साल भी ब्लूमिंग करता है, पर ज़मीन में लगाने के लिए इसे हल्के सेमी शेड में एरिया में लगाएं। मैं कहा ठीक है भाई, देखिए ऑटम जब आएगा या फिर स्प्रिंग के उसके ऑटम के स्प्रिंग जब होगा तो ये मेरे गमले में फूल दे देगा। और वैसे इसकी ग्रीन फॉइलेज तो आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना, ग्रीन फॉइलेज ये बनी रहती थी इसकी। तो फिर मैंने आपको बता दिया। अच्छा उन्होंने क्या करा था फ्रेंड्स, इसको कटिंग से लगाया था। इसकी आप जो प्रोपोगेशन होती है स्वीट ऑलिव की, इसे आप एयर लेयरिंग से या कटिंग से आप लगा सकते हैं। सिंपली आपको एक बिल्कुल जैसे कच्ची ऐसे बहुत ग्रीन भी नहीं लेनी कटिंग, जैसे सेमी हार्डवुड कटिंग होती है। सेमी हार्डवुड कटिंग कैसी होती है फ्रेंड, जो नई नई होती हैं कोपलें जो नई आई होती हैं, जैसे ये हैं, ये देख रहे हैं आप ये ऊपर वाली, ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। जब ये थोड़ी सी मोटी तो उसके बाद मैं इसे निकाल के बरसात के सीज़न में इसकी 4-5 कटिंग लगा दूंगा ये, या फिर अप्रैल के महीने में भी फ्रेंड्स आप कटिंग लगा सकते हैं इसकी, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से। मैंने खुद इसके फ्रेंड्स 2 प्लांट बना के अपने साथ वालों को दिए हैं, उनकी उनको इसकी खुशबू का बहुत तारीफ़ करी थी, सराहना की थी, तो मैंने उनको भी इसके प्लांट्स बना के दिए थे। इसकी खुशबू बहुत सुंदर है। ये इसके छोटे छोटे फ्लावर्स ये आप देख रहे हैं, ये पूरे मतलब ये पूरे पेड़ पे देखिए कितने बंचेस में, छोटे छोटे बंचेस में कितने क्यूट भी लग रहे हैं, खिले हुए हैं ये। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसी की केयर और सॉइल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके सॉइल की।
जैसे ये जो सॉइल है फ्रेंड्स इस स्वीट ऑलिव की, जब आप इस स्वीट ऑलिव को लगाएं, जो स्वीट ऑलिव की पौधा है इसे आप लगाएं, इसे आप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल दें। अच्छा, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का आपका क्या रेशियो होना चाहिए फ्रेंड्स? मैंने अपने कई वीडियो में वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का रेशियो बताया, आप उनमें से एक को चेक कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगा, मैं क्योंकि देखिए हर वीडियो में मैं आप बताना चाहूँ तो फिर उससे लंबी हो जाती है वीडियो। कई लोग कहते हैं आपकी लंबी वीडियो पूरी नहीं देख पाते लोग, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लें, दो पार्ट आप गोबर ले लें, एक पार्ट आप बालू या रेत ले लें जो सैंड होती है, और एक पार्ट आप घर का कंपोस्ट ले लें, उन्हें अच्छे से मिलाएं। और फिर एक गमला लेके, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 10 से 12 इंच का पॉट, ये सीमेंट पॉट है, ये 10 से 12 इंच के पॉट में नीचे पहले आप ठीकरी भरें, या फिर जो उनके उल्टा छेद होता है वहाँ पे जो ड्रेनेज होल होता है उसके ऊपर एक उल्टा दिया करके रख दें, और उसके ऊपर फिर आप एक ठीकरी की लेयर बिछाएं, उसके बाद आप अपना जो पॉटिंग मिक्स है उसे आप लेयर बाय लेयर उसमें डाल दें। और ये इसका वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल का पॉटिंग मिक्स जो आपका, जो आपके पौधे को चाहिए वो आप दे दें। तो इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए सबसे पहले फ्रेंड्स। और इसको जो है, देखिए वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल से क्या होता है, वेल ड्रेन, एक तो इसकी जड़ों को बिल्कुल पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा पानी होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी पौधा फ्रेंड, जो कोई भी पौधा होता है ज़्यादा पानी से कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम उसे बहुत मतलब कम पानी से ख़त्म नहीं होता, हम उसे जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना वो उसकी जड़ें ख़राब होती हैं। इसलिए जब वाटरिंग होती है फ्रेंड्स उसको सूखने दें बीच बीच में, जैसे पानी आपने दे दिया तो एक बार उस पानी को पूरी तरह ड्राई होने दीजिए, तब आप दोबारा उसे पानी दीजिए ताकि आपके पौधे की हेल्थ भी बनी रहे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि वाटर नीड की, जैसे सॉइल आपने ये गमला आपने लाए और उसमें ये पौधा लगा दिया स्वीट ऑलिव का, उसके बाद आप जो पानी की नीड होती है इसकी, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी आपको वीडियो में बताया कि एवरेज वाटरिंग चाहिए इसको, मिनिमम वाटरिंग, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आपने इसे लगाया जैसे गमले में, उसके बाद आप इसकी पहले डीप वाटरिंग करें एक बार, और फिर उसके बाद आप इसके वाटरिंग के बीच सूखने दें। अच्छा फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जैसे कई बार क्या, जैसे आपने पौधा लगाया लाके तो उसे पहले कुछ दिन, स्टार्टिंग के कुछ दिन उसे उसकी जड़ मिट्टी जल्दी सूखने ना दें। एक बार आपका पौधा जैसे स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये ड्राउट भी, जैसे आप अगर 2-3 दिन पानी डालना भूल जाते हैं तो भी ये सब कुछ नहीं होता। जैसे मैं क्या होता था फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में इस पर ध्यान दिया, और फिर जैसे गर्मियों के जून के महीने में जैसे कई बार ट्रिप्स के कारण इधर उधर जाना पड़ गया तो उसे क्या, वो पानी नहीं पड़ता था पौधों पर, तो उससे मैंने ये देखा इसमें कोई जैसे कोई मुरझाहट नहीं आई थी। ये ड्राउट टॉलरेंट पौधा भी है, मतलब पूरी छत में आप खुली धूप में भी रख सकते हैं ऐसा, और सेमी शेड में भी रख सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फुल धूप में भी, मतलब सुबह से 6 बजे तक से स्टार्ट होकर शाम के 6 बजे तक की धूप में भी आराम से ग्रो हो जाता है और ग्रीन बना रहता है, ठीक है। और पानी की भी इतनी कोई खास नीड है नहीं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप स्टार्टिंग में इसे पानी दें, जैसे आपने अभी लगाया है तो इसके स्टार्टिंग 20 डेज को ज़्यादा मॉइस्चर, इसको बिल्कुल सूखने ना दें ज़्यादा मिट्टी को, कि बहुत ज़्यादा सूख गई मिट्टी, थोड़ा नमी उसमें बनाए रखें, और उसके बाद आप इसे वो कर सकते हैं, जैसे इंटरवल वो बना दें इसका कि इतने इतने उसमें इतने टाइम में, जैसे मिट्टी जब सूख रही है, जब आपको लग रहा है कि हाँ इसकी मिट्टी सूख गई है, तो आप इसे पानी दे दें आराम से, इसकी नीड पूरी कर दें पानी की। अच्छा, तो उसके बाद जब हमने पौधा लगा दिया फ्रेंड्स, हमने पानी भी डाल दिया, अब क्या होता है, जब हम पानी कुछ महीने बाद हमारा पौधा चलता है तो हम सोचते हैं उसमें फर्टिलाइज़र क्या दें। फर्टिलाइज़र का फ्रेंड्स क्या है, देखिए पहले तो आपने गोबर फर्टिलाइज़र जो होता है, डिकम्पोज्ड गोबर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो आपने इसकी पॉटिंग मिक्स में अच्छे से डाल दिया है, ठीक है, एक तो ये उसे यूज़ करेगा। अच्छा, आप ऊपर से चाहें तो जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, पंचगव्य फर्टिलाइज़र हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, जैसे आपके पत्तियों की, जैसे मैंने देखिए मल्चिंग किए हुए इसी की पत्तों की, मैंने इसके पत्ते बजाए कि फेंकने के इधर उधर, इसी की देख रहे हैं आप ये नीचे, इन्हीं की मल्चिंग इसके नीचे कर दी थी, इसी को डाल दिया था हल्के से जड़े खोद के, इसकी मिट्टी खोद के ऊपर उस पर टिलिंग करके, सॉइल टिलिंग, और उसके बाद इसी के जो पत्ते थे सूखे हुए वो उस पर डाल दिए थे। हाँ, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आप केम फर्टिलाइज़र दें, वो जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसे आप शाम को दें, डाइल्यूट करके दें, ठीक है। उस तरह से आप जो भी आपको फर्टिलाइज़र आप इजी लगता है बनाने में उसे आप बना सकते हैं, डाल सकते हैं पौधों पे। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आप आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून 19:19:19 रेशियो वाला NPK पाउडर, जो कि ब्लू, पिंक, वाइट, येलो कलर में होता है, कई कलर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंपनियाँ उसे बनाती हैं वो अपने अपने उसमें डाइज या कलर्स छोड़ती हैं, उस तरह से आप चाहें तो NPK पाउडर को एक आधी चम्मची, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून फ्रेंड्स मेनली, और उसे 10 लीटर्स पानी में या 5 लीटर पानी में हाफ टी स्पून को, और 1 टीस्पून को 10 लीटर पानी में बाल्टी बकेट में उसे अच्छे से घोल के, और इसकी जो फोलियर स्प्रे होता है, जैसे आपकी पत्तियाँ पूरी
इस पर स्प्रे कर दें, या फिर जैसे नीचे जड़ों में भी आप दे सकते हैं, उसे शाम को दें फ्रेंड्स। हम कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करते हैं फ्रेंड्स, नीम स्प्रे हो गया या कोई और स्प्रे हो गया, वो शाम को करते हैं ताकि शाम को पौधा रेस्ट में उसे आराम से ले ले। क्योंकि दिन में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, दिन में वो पूरी तरह असर नहीं कर पाता और वो असर करने की बजाय वो पूरा सूख जाता है धूप की किरणों के कारण, इसलिए हम उसे रात को देते हैं फर्टिलाइज़र को या फिर किसी भी उसको फंजीसाइड को, जैसे नीम ऑयल फंजीसाइड हो गया, उसको हम रात को देते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कटिंग और डेड हेडिंग जो होती है, कटिंग और डेड हेडिंग से फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो पौधे की नई ग्रोथ में मदद मिलती है। इसकी हम कटिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप अभी देख रहे हैं इसकी कई जगह, ये अभी ये पूरी तरीके से देख रहे हैं आप, ये ऊपर से कितना भरा हुआ है ये अभी, ये अब आप हम नीचे आएंगे धीरे धीरे, देखिए इसमें कई जगह आप फ्लावर्स हैं, है ना, और ये बहुत अच्छी स्मेल भी दे रहे हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जैसे अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पार्ट इसका, ये देखिए इसके पत्तों के हम पास गए और यहाँ पे एक ड्राई लीफ है, ये देख रही है आप, यहाँ पे मेरी फिंगर है ये वाली, ये एक ड्राई लीफ है, इसे आराम से आपने, ये खुद ही टूट के पहले तो गिर जाएगी, ठीक है, इसे आप निकाल दें। अब क्या है, जब इसके फ्लावर पूरी तरह सूख जाएं, जो फ्लावर्स हैं इसके ये पूरी तरह सूख जाएं, तो आप इसे स्टेम कटिंग करके, जैसे यहाँ इसका फ्लावर है तो यहाँ से इसकी, इसके नीचे आप जाएं और यहाँ से इसकी कटिंग कर दें, और ये थोड़ी थोड़ी आप इसे यहाँ जॉइंट रहें ताकि जब नई ग्रोथ आए स्प्रिंग के सीज़न में और बरसात के सीज़न में तो ये आगे बढ़ने लग जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो स्वीट ऑलिव का ये पौधा है जो आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये प्लांट है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, मतलब 5-6 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर तक आप अगर ज़मीन में लगाएं तो ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत तेज़ नहीं बढ़ता, इसलिए ये गमलों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जैसे गमलों में हम चाहते हैं हमारे गार्डन में साइड में बहुत अच्छा है खुशबू वाला पौधा जो धीरे धीरे बड़े अच्छे लगा रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे रात की रानी क्या होती है फ्रेंड्स, रात की रानी बहुत तेज़ बढ़ती है, मतलब एज अ बेल होती है वो तरह की, वो बहुत तेज़ बढ़ती है, पर ये धीरे धीरे बढ़ता है जब फूल आते हैं इसमें, तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको कटिंग और डेडिंग का बता दिया, जो भी डिजीज पार्ट हो, जैसे कि जो पार्ट इसका ख़राब हो गया हो, जैसे फूल चले जाएंगे अब इसके, तो आप उस पार्ट को हटा दें ताकि नई ग्रोथ में उसे मदद मिल सके और वो आराम से ग्रो कर सके। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसको जहाँ कहाँ पे रखना है आपने। अच्छा देखिए, आपने जब इसे ज़मीन में लगाया, जैसे आपने कभी लॉन में लगाया या फिर अपने खुले खेत में लगाया, तो आपके देखिए आपके यहाँ दो को हो सकते हैं केसेस, या तो आपके यहाँ धूप आती है या बहुत कम धूप आती है, नॉर्मल धूप आती है, फिर आती नहीं है, तो आती जहाँ पे धूप नहीं आती फ्रेंड्स वहाँ तो इसे आप टेरेस में रखें या फिर बालकनी में रखें जहाँ मिनिमम धूप आती हो, क्योंकि देखिए जितना धूप में रहेगा ये उतना अच्छे से चलेगा। अब वैसे जहाँ पे आपके यहाँ जैसे 4-5 घंटे की, कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो, 6 आवर्स की या फिर 5-6 आवर्स की धूप आती है, वहाँ इसे बालकनी में या फिर ज़मीन में भी आप आराम से इसे लगा सकते हैं। और जैसे जहाँ कम धूप आती है फ्रेंड, जैसे कि 5-6 घंटे, कम से कम 4-5 घंटे की धूप इस पर पड़ती हो लीव्स पे और जो जड़ें हैं इसकी, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमेशा आपका ब्लूम करता रहेगा, इसके हमेशा ब्लूम बने रहेंगे, ठीक है ना, इसके ब्लूम हमेशा जैसे आते रहेंगे, मतलब ऐसे बंद नहीं होंगे बीच में भी, ठीक है। ज़मीन में आप इसे लगाएंगे ठंडे में तो ये पूरे साल ब्लूम करेगा और आपके देखिए गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू देता रहेगा। और मैंने आपको बताया छत में, तो ये जैसे अब मैंने छत में रखा ही था, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए अंदर लेके आया छत में, ये खुली छत में था तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ अच्छी थी, ग्रीन थी पूरी, ठीक है। अभी मैं इसको आपके वीडियो बनाने के बाद इसे वापस अपनी इसकी जगह पर रख दूँगा। तो इसे आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं, जैसे कई लोग आजकल फ्रेंड फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट के किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा हल्की धूप आती है या फिर पूरी धूप आती है, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आधी धूप चाहिए या फिर सेमी शेड चाहिए या फिर बिल्कुल धूप फूल करना है, ठीक है। आप इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप फुल धूप में रखिए या फिर सेमी शेड में रखिए, ठीक है। प्लेस मैंने आपको बता दी इसे आप कैसे रख सकते हैं, अपने गार्डन में भी आप इसे जगह दें, ये बहुत अच्छा पौधा है। अब मेंटेनेंस बताता हूँ मैं फ्रेंड्स, इसकी जो मेंटेनेंस करनी है आपने, जो मंथली मेंटेनेंस हो गई, ईयरली मेंटेनेंस हो गई, उसका आप कैसे करना है, जैसे आपकी डेड हेडिंग कर देनी है आपने पहले तो इसकी, ठीक है। आपने इसके जो ख़राब पार्ट्स हैं, अब ये देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको स्टेम दिख रही है, आप ये सोचेंगे इसकी, ये इसकी नहीं, ये तुलसी है फ्रेंड्स, ये अलग से ग्रो करी हुई, पर जैसे आपके जो कट इसकी वो है डेड स्टेम्स है, जैसे ये देखिए ये इसके आगे के फ्लावर बिल्कुल डेड हो चुके हैं, ये यहाँ पे फ्लावर्स हैं इस तरह, तो मैं इसको पिंचिंग करके या फिर उससे कटर से निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ब्लूम ये शुरू हो गया है ब्लूम, तो ब्लूम ना काटे अभी, इसकी पिंचिंग तभी करें जब इसके फ्लावर पूरी तरह सूख जाए, है ना। तो
इसकी जो फ्रेंड रेगुलर मेंटेनेंस से कोई बहुत ज़्यादा खास चाहिए नहीं, एवर ग्रीन पौधा है और ये बहुत अच्छे से चलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो इसकी लीव्स हैं वो बजाय क्या फेंकने के, इसी के नीचे उसकी सॉइल की टिलिंग करके और उसके नीचे मल्चिंग कर दें उन्हीं पत्तियों की इसकी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वो नेचुरल एनपीके का काम करता है, क्योंकि उनको उनको भी पूरे मिनरल के साथ बनाया था पौधे ने। तो बजाय कि उन्हें बाहर फेंकने के, अपने गार्डन से एक्सक्लूड करने के, उन्हें आप उसी गमले के नीचे डाल दें जैसे मैंने डाल रखा। देखिए मैंने सॉइल टिलिंग करी इसकी और इसी के नीचे उसे डाल दिया और वो डिकम्पोज होकर धीरे धीरे खाद दे देंगे पौधे को। फ्रेंड्स ये बहुत प्यारा पौधा है, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है और फिलहाल ये मैंने देखी आपके वीडियो के लिए अपने ड्राइंग रूम में ला के रखा था। अच्छा इसकी हाइट जो होती है फ्रेंड्स, हाइट मैं आपको बता दूँ, जो मैंने लिया था वो 10-12 फीट का पौधा था, बहुत बड़ा पौधा था। ये तो उसके सामने बहुत छोटा सा पौधा है, वो बहुत बड़ा पौधा 10-12 फीट तक इसकी हाइट आराम से चली जाती है। आपने अगर इसे ज़मीन में लगाया है, गार्डन में आप लगाना चाहें तो इसकी 10-12 फीट हाइट चली जाती है और ये 5-6 फीट तक चौड़ा हो जाता है, मतलब एक पूरे कोन टाइप के पेड़ की शेप या फिर गोल पेड़ जो होता है फ्रेंड्स जैसे आम का, उस टाइप की शेप ये ले लेता है, बहुत अच्छी शेप ले लेता है, ग्रीन रहता है फ्रेंड्स, जैसे आम के पेड़ होते हैं पूरी गर्मी ग्रीन रहते हैं उसी तरह ये ग्रीन रहता है और खुशबू भी देता रहेगा। देखिए आप इसे ज़मीन पर लगाएंगे तो आपके यहाँ ये पूरे साल ब्लूमिंग करता ही रहेगा। तो फिलहाल ये मैंने फ्रेंड्स अपने गार्ड उसमें लगा रखा है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, यहाँ पे गार्ड उसमें लाया था मैं अपने ड्राइंग रूम में और फिलहाल मैं इसे उसके बाद टेरेस पे रख दूंगा। मेरा ये प्लांट ओपन टेरेस में रखा है फ्रेंड्स जहाँ पूरी धूप आती है, फिर भी ये देखिए कितना ग्रीन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि और भी गार्डन दोस्त इस पौधे को लगा सकें और इसकी खुशबू के मज़े ले सकें। बहुत अच्छी खुशबू है फ्रेंड्स इसकी, ये बहुत प्यारे फ्लावर्स और खुशबू देता है। तो फ्रेंड्स ये एक मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे पास ये देखिए बहुत इतना बड़ा एरिका पाम, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में एरिका पाम। फ्रेंड्स आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और एक वीडियो में अगली में आपको इसी की बारे में बताऊँगा। ये देखिए दो प्लांट्स हैं मेरे पास, ये कितना ऊंचा इस वक्त टेरेस तक देखिए पहुंच, आधा थोड़ा सा ही रह गया है बस ये छत से नीचे, ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में रख रखे हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं दूर से देखने में भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ जाते जाते फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।